हम लोग सीक्रेटली अपना पैसा छुड़ा के रख सकते हैं। आप तभी यही तो खत्म नहीं होता है। क्वालिटी इज टॉप नॉच। दिल थाम के रहो, इतना अफोर्डेबल कहीं नहीं मिलेगा। यस, जय माता दी, लेट्स रॉक। हाय क्यूरियस, इट्स मी एनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग फन इन योर लाइफ। एंड अगर नहीं है तो आई विश तुम सब खुश हो जाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ तुम सबको मिल जाए। ऑल्सो इफ यू आर न्यू हियर, वेलकम बैक टू एनीस चैनल, और यू कैन कॉल मी अंसवीर। एंड दिस इज माई टूडेज लुक गाइस, हार्ट्स लुकिंग, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो बाय थंबनेल यू ऑल नो कि आज हम लोग करने वाले हैं ओवर साइज टी शर्ट हॉल फ्रॉम मीसो। और मैं मतलब काफ़ी वीडियोज में अपना ऐसे करती हूँ कि लास्ट में कुछ मैं इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ जो ब्लोन कर देता हमारा माइंड। तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी कुछ, मैंने कुछ क्यूट स्टफ्स मंगवाए हैं, बताऊंगी कहाँ से, बिल्कुल लास्ट में है। तो लास्ट तक वीडियो देखना, एकदम एंजॉय करो। आई होप तुम लोग एंजॉय करो इस वीडियो को, मेरे बकबक को। एंड गाइस ट्रस्ट मी, सारे के सारे टी शर्ट बहुत अफोर्डेबल है। आई मीन 200 और 300 के बीच में है। थोड़ा मे भी हो सकता है कि वो लोग 300 के थोड़ा सा ऊपर चला जाए, लेकिन 200 और 300 के बीच में। ओके, सो आई हैव सो मैनी ओवरसाइज टी शर्ट्स हियर। मैंने सबको हैंगर में डाल दिया है ताकि मैं इजीली तुम सबको दिखा पाऊँ। एंड गेट एक्साइटेड गाइस, आई हैव सो मैनी थिंग्स टू शो यू, सो गेट एक्साइटेड। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। एंड या कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो प्लीज़ इग्नोर दिस, कभी हवा रहता है कभी तूफान रहता है, आज कंस्ट्रक्शन, बट वी विल इग्नोर एवरीथिंग। मैं हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि टी शर्ट में हम लोग क्या क्या मेन थिंग रहेगा जो हम लोगों को मतलब टी शर्ट में चाहिए। क्वालिटी, लेंथ, प्राइस, मटेरियल उसका कैसा है, कितने साइज में अवेलेबल है एंड कौन सा साइज है। तो ये पांच चीज़ हम लोग देखेंगे कि उस टी शर्ट में हमें मिलता है या नहीं। अगर वो सारी पांच चीज़ें हम लोगों को उस टी शर्ट में मिलेगी तो डैट्स अ हिट, और अगर नहीं तो डैट्स अ मिस। ओके, आई होप यू गॉट इट एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दिस इज आवर फर्स्ट टी शर्ट एंड गाइज इट्स क्वाइट प्रीटी। तो मैं यहाँ पे पांचों यहाँ पे करूँगी। ओके, सो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कि वो पांचों चीज़ पे टिक जाता है या नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और वैसे भी मैंने सारे टी शर्ट को ऑलरेडी पहन के स्टाइल करके वीडियो बना लिया है ताकि मैं अच्छे से तुम लोगों को रिव्यू दे दूँ। एंड दिस इज आवर टी शर्ट गाइज एंड इट्स इन साइज एक्सेल। कोई साइज एक्सेल में है, कोई एल में है, कोई सब इधर उधर मिक्स मैच है। तो मैं बताती जाऊँगी कि कौन कौन सा साइज है। तो ये एक्सेल में है एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, इस पर लिखा है वन ऑफ अ काइंड एंड यहाँ पे बहुत सुंदर सा फ्लावर प्रिंट है इसका। तो पहला बात है ये अफोर्डेबल है या नहीं। बिल्कुल अफोर्डेबल है क्योंकि ये सिर्फ 192 का है एंड लेंथ इज़ प्रीटी गुड गाइस। इसका एक्सेल है तो लेंथ भी इसका बहुत बढ़िया है एंड इसका स्लीव भी काफ़ी बढ़िया है। एंड क्वालिटी इज ऑल्सो लाइक प्राइस वाइज इट्स गुड, बस थोड़ा सा इसका पॉइंट थोड़ा सा कटेगा क्योंकि ये जो इसका ये वाला मटेरियल है, ये वाला जो इसका प्रिंट है, ये थोड़ा सा रफ है, मतलब थोड़ा सा रफ है, ज़्यादा रफ नहीं है, मतलब काम चलाने लायक है। तो इसका साइज एक्सेल है और ये अफोर्डेबल है, प्राइस इसका 192 है, लेंथ इसका बढ़िया है, क्वालिटी में इसको मिल सकते हैं 9 out of 10 क्योंकि प्राइस वाइज गाइस इट्स प्रीटी गुड। बस थोड़ा सा इसका ये वाला मटेरियल हल्का सा ख़राब है, अदरवाइज इट्स वेरी गुड एंड इट्स अ हिट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टी शर्ट। सो दिस इज ये हमारा सेकेंड टी शर्ट जो कि बहुत, इसका कलर बहुत प्रीटी गाइस, लुक एट दिस कलर एंड इट्स इन साइज एल, फिर भी इसका लेंथ बहुत बढ़िया है गाइस। ये मैं डायरेक्ट हाईली रिकमेंड करूँगी, इसका लेंथ अफोर्डेबल है, आई थिंक 235 में इसका प्राइस कुछ, एंड अफोर्डेबल है, लेंथ बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, प्राइस बढ़िया है, इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड गाइस, गो फॉर इट, डोंट थिंक टू मच एंड जस्ट गो फॉर इट, इट्स सो प्रीटी। मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं
तो बस हम रोज का हेड ऐसे देखते जाएंगे और ख़त्म करते जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहन के देख लिया कि ये सब कैसा है, क्वालिटी, मटेरियल, लेंथ, तो मैं जल्दी जल्दी बताते जा रही हूँ कि मतलब कैसा है कैसा नहीं. सो इट्स अ हिट गाइस, इट्स अ हिट एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट टी शर्ट. ये है हमारा थर्ड टी शर्ट. गाइस ट्रस्ट मी, इसका क्वालिटी बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखाई दे रहा है. एंड इसका साइज एल है. प्राइस इसका 203 रुपये है. हम लोगों को फर्स्ट वाला कितना अच्छा मिला था, उसका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया था, लेकिन इसका क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसका मटेरियल बहुत थीन है, बहुत ज़्यादा थीन है. अफोर्डेबल है लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं है, एंड लेंथ भी अच्छा नहीं है, जबकि ये साइज एल में है. लेकिन नॉट अ हिट गाइस, इट्स अ मिस. सो लेट्स मूव टू सेकेंड टी शर्ट, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग. और उसी की जैसा मेरे पास एक और सिमिलर है, लेकिन ये 165 में है. लेकिन मतलब घर पे पहनने के लिए ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इट्स सो कम्फर्टेबल. एंड इसका ये जो प्रिंट है वो भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और पिंटरेस्टी है. एंड गाइस लुक एट दिस, ये भी साइज एल में ही है, लेकिन इसका क्वालिटी एंड प्राइस वाइज बहुत बढ़िया है. लेंथ भी इसका बहुत बढ़िया है. देखो ये भी हिट है हमारा, बिल्कुल हिट है, क्योंकि गाइस 165 में हम लोगों को नहीं मिलने वाला है. एंड इट्स प्रीटी गुड गाइस, सो इट्स अ हिट. एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट टी शर्ट. हमारा नेक्स्ट टी शर्ट है ये, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये 264 में मुझे मिला है. एंड इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के प्रिंट भी अवेलेबल हैं. एंड ये है साइज एम में, लेकिन इसका जो लेंथ है बहुत अच्छा है. अगर एल साइज में जाओगे या फिर एक्सएल में तो और भी अच्छा लगेगा. और इसका मटेरियल भी अच्छा ही है, और इसका लेंथ भी देखो इतना बड़ा है, ये अफोर्डेबल भी है, तो ये पाँचों पे टिक जाता है. एंड इट्स अ हिट. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टी शर्ट. मुझे इस टी शर्ट से बहुत उम्मीद था, लेकिन ये उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा. आई नो तुम लोग ने इस टी शर्ट को बहुत बार देखा होगा मीशो पे, अगर तुम लोग शॉपिंग करते हो. मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंड हुआ था. ये है 277 में ये एनिमी वाला टी शर्ट, लेकिन ये गाइस बिल्कुल सी थ्रू है. इसका वैसे तो 277 प्राइस है और ये साइज़ एल में है, लेकिन बस इसका एक ही चीज़ ख़राब है कि साइज़ तो एल है, लेकिन ये उतना ओवर साइज्ड वाला लुक नहीं देता है, एंड क्वालिटी इसका उतना अच्छा नहीं है. अफोर्डेबल है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है. सो इट्स अ मिस. एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट टी शर्ट. ओके, सो ये है हमारा टी शर्ट, जो इस पर लिखा हुआ है एसेंशियल. एंड इट्स सो प्रिटी गाइस. इसका प्राइस 238 है, एंड ये साइज एल में है, एंड क्वालिटी इसका बहुत बढ़िया है, अफोर्डेबल है, लेंथ बहुत बढ़िया है, जो लुक देता है वो भी बहुत सुंदर है. एंड इट्स प्रिटी. और साइड में यहाँ पे चलते रहेगा हम मेरा वीडियो, जिसमें तुम लोगों को सबसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने कैसे पेयर किया है इसको और ये पहनने के बाद कैसा लगता है. सो इट्स अ मी हिट गाइस. ओके, एसेंशियल फियर ऑफ गॉड, इट्स सो प्रिटी. और ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इट्स अ हिट. एंड नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टी शर्ट. सो ये है हमारा टी शर्ट, जिसका प्रिंट ऐसा है. पहले सेट की जो हमारा एनिमी वाला था टी शर्ट, उसमें भी मतलब थोड़ा सी थ्रू था, और ये भी थोड़ा सी थ्रू है. इसका साइज भी एल है, और इसका प्राइस है 281. एंड ये वैसे तो बहुत सारे प्रिंट में अवेलेबल है, बट अलग अलग प्रिंट में अवेलेबल है. मतलब ये थोड़ा वाइट है, तो इसलिए ज़्यादा ये सी थ्रू लग रहा है, लेकिन पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है. तो तुम लोग सोच लो, अगर तुम लोगों मन हो तो ले सकती हो, क्योंकि घर पे तो आराम से हम पहन सकते हैं. एंड बाहर पहनने के लिए अंदर से कुछ पहनना पड़ेगा, तब ये ज़्यादा मतलब रिवीलिंग नहीं लगेगा, और मतलब ज़्यादा सी थ्रू नहीं लगेगा. वैसे तो इट्स प्रीटी गाइस. तो मेरे लिए तो ये मिस है, क्योंकि सी थ्रू नहीं रहता तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हम लोगों को 181 में हम लोगों को और भी अच्छे अच्छे टी शर्ट मिल रहे हैं मीशो पे, सुंदर, और उसमें क्वालिटी भी अच्छा रह रहा है. तो इट्स अ मिस, क्योंकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इसका क्वालिटी के हिसाब से, तो इट्स अ मिस. ओके, सो दिल थाम के रहो, क्योंकि अभी जो देखने वाली हो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है. गाइस सी दिस क्वालिटी, और इसका ये मटेरियल पूरा चपका है, इसमें ये निकल ही नहीं रहा है. द एंड लिखा है इस पर, लेकिन ये देखो इसका क्वालिटी क्या हो गया, मतलब इसका पूरा कंडीशन ख़राब हो गया है, ये पूरा चिपक गया है इसके अंदर. और जब आया था तब तो एकदम ऐसे था, मैंने इसको ऐसे ऐसे करके निकाला है, फिर
मतलब ये ठीक हुआ है। इसका प्राइस अराउंड 181, लेकिन गाइस इसका क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और ऊपर से इसमें से अजीब सा एक बदबू भी आ रहा है जो कि बिल्कुल सहने लायक नहीं है। साइज एम है एंड मैंने इसको पहन के भी दिखाया, लेंथ मतलब बढ़िया है इसका, लेकिन ये बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो इट्स नॉट अ हिट, द एंड हो गया इसका जैसा इस पर लिखा हुआ है। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड एंड इट्स अ मिस। सो और आई थिंक ये हमारा लास्ट टी शर्ट है। सो ये है हमारा लास्ट टी शर्ट मीशो का। तो ये साइज एल में है एंड गाइज द क्वालिटी इज टॉप नॉच, मतलब 271 में हम लोगों को मिला है और साइज है एल, बहुत अफोर्डेबल है और क्वालिटी बहुत बहुत सुंदर। पहनने पे ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ पहना है, इतना कंफर्टेबल है ये। एंड गाइज इट्स सो सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि जाओ और ले लो भाई इसे, इट्स सो प्रिटी। इस पर बहुत अच्छा प्रिंट है, लेंथ बहुत सुंदर है एंड कलर जो पॉप है एकदम समर वाइब देगा हम लोगों को। सो दैट्स इट। अब हमारा सारा मीशो का टी शर्ट खत्म होता है। अब जो मैंने लास्ट में मैंने बोला था कि मैं लास्ट में सबसे सुंदर सुंदर स्टफ जो मैंने मंगवाया मैं वो दिखाऊंगी, तो नाउ इट्स टाइम टू रिवील ऑल द क्यूट स्टफ्स। मैंने मंगवाया है मिंत्रा से ये क्यूट्स क्लॉक्स, क्लॉक्स बोल लो या फिर सैंडल्स बोल लो या फिर क्रॉक्स बोल लो, जो भी हम तुम लोगों को जो भी बोलना है बोल लो, मैं क्रॉक्स ही बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इट्स गिविंग समर वाइब, आई मीन लिटरली बिल्कुल समर वाइब दे रहा है हम लोगों को। तो ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है और सभी चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो गो एंड चेकआउट एवरीथिंग। मैं सारा ऐसे लिख के डालती हूँ कि ये क्रॉक्स का है, ये सारा टी शर्ट का है, ये जो मैंने पहना है उसका है, तो आराम से तुम लोग को ईजिली मिल जाएगा जितना भी है लिंक, तो डोंट वरी अबाउट डैट गाइज। और ये बहुत अफोर्डेबल है, मैं प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दूंगी तो वो देख लेना। एंड इफ़ यू वांट टू बाय दिस गाइज यू कैन गो अहेड एंड, मतलब मुझे ये 10 out of 10 लगा तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस वन बिकॉज इट्स समर एंड इट्स समर वेकेशन और सब तो घूमने जा रही होगी, मैं नहीं जा रही हूँ, अगर मैं जाती तो बताती। ओके सो ये हमारा सेकेंड क्रॉक्स है या क्लॉक्स बोलो, ये मैं थोड़ा पहन के गंदा भी करती हूँ एंड इट्स सो प्रीटी गाइज। इस पर किस किस लिखा हुआ है और मैं इसे पहन के गई थी और मेरी छोटी बहन ने ऐसा वाला इसमें से निकाल दिया, तोड़ दिया, फर्स्ट डे था इसका और वो तोड़ दी। और इस पर देखो बॉ बना हुआ है दोनों साइड, मुझे आजकल इन सारी चीज़ों से इतना प्यार होता है कि मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ खरीदने से। एक और मैं टी शर्ट मंगवाई थी अमेजोन से जो कि मैं सोच रही हूँ कि दिखाई देती हूँ, 235 में मिलाई ये दोनों, 235 दोनों सेट था कॉम्बो में एंड द क्वालिटी इज़ टू गुड गाइस। मतलब देखो ये भी वाइट में है बट द क्वालिटी इज़ टू गुड, ये ओवर साइज है एंड साइज इसका एल है। सो अगर इसका भी लिंक चाहिए होगा तो मैं तुम लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उसे वहाँ से ले लूँगा। और गाइस सी दिस कलर, माय गॉड, मतलब इस कलर से प्यार नहीं होगा तो क्या होगा, पर्पल। यस तुम लोग खुद देख लो, मैं यहाँ पे वीडियो लगा रही हूँ कि ये कितना प्रिटी लग रहा है, मतलब बेसिक है और बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है एंड यू नीड टू बाय दिस वन। मैंने वो भी दिखा दिया। और एक और मेरे पास टी शर्ट है, क्योंकि ये टी शर्ट हॉल है तो मेरे पास जितने भी टी शर्ट हैं अभी मैं सारे दिखा दूँगी, सिर्फ मीशो की नहीं, मैं एक न्यूमी का भी लाई हूँ, एक तो पहनी हूँ मैं ये और मैंने दो ऑर्डर किए हैं वो भी आ रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। सो ये है टी शर्ट हमारा, तो ये है टी शर्ट, मैं यहाँ पर वीडियो लगा दूँगी एंड गाइस ट्रस्ट मी इसका क्वालिटी बहुत सुंदर है। इसका साइज है एल और ये भी न्यूमी से ही है। गाइस सबका डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, तो टेंशन नहीं लेना, मतलब कॉलेज के लिए या फिर जहाँ भी तुम लोगों को जाना है उसके लिए बहुत परफेक्ट है और समर आ रहा है, समर आ गए हैं और समर वेकेशन के लिए भी प्रीटी गुड एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है हमारा, मैंने देखा कि तुम लोग ने टॉप हॉल में जो मैंने सबसे लास्ट में टोट बैग्स दिखाए थे वो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने मिंत्रा से इस बार मंगाया है एंड आई सी दिस टोट बैग, मतलब ये कितना प्रीटी है, डॉग्स के ऐसे थंब वाले लगे हुए हैं पैर के निशान है एंड इट्स सो प्रीटी और क्वालिटी इज टू गुड गाइस। मतलब यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, इसके अंदर हम लोगों को मिल रहा है ऐसे चैन, हम लोग का जो मीशो वाला था टोट उसमें चैन नहीं था, सिर्फ एक में था, उसमें यहाँ पे भी चैन है एंड
इसके अंदर भी यहाँ पे चैन है। गाइस बहुत प्रीटी है, हाईली रिकमेंड दिस वन कि तुम लोग जाओ। अगर कॉलेज गर्ल हो तो मतलब ये इतना बड़ा है, आराम से सब अट जाएगा हमारा। एंड इट्स सो प्रीटी, अगर तुम लोग को जाके लेना है तो तुम लोग जाके ले सकती हो। ऑल्सो और सबसे लास्ट प्रॉमिस है, सबसे लास्ट है ये हमारा ट्रस्ट द प्रोसेस लिखा है। इसका जो फॉन्ट है, बहुत टेक्स्ट है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब बहुत एस्थेटिक है। बट इसके अंदर हम लोगों को चैन नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, खाली है, लेकिन बहुत सुंदर है क्योंकि इस पर लिखा है ना ट्रस्ट द प्रोसेस। गाइस ट्रस्ट द प्रोसेस, सो सब चीज़ इसका मेंशन रहेगा यहाँ पे। एंड इफ़ यू वांट टू बाय देम चेक आउट डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज लिंक डाउन बिलो, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट। एंड आई थिंक वी आर डन फॉर टुडेज हॉल वीडियो। एंड अच्छा लगता है तुम लोग से मिल के बात करने में, हर वीक हम लोग मिलेंगे एंड ऐसे ही चिट चैट होगा हमारा, भले ही ऐसे ही हो लेकिन कमेंट्स में आके हाय हेलो बोल दिया करो, ठीक है, बात करो यार मेरे से। कैसी फ्रेंड्स हो तुम लोग, बात नहीं करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल तुम लोगों के लिए। गाइज जल्दी से जल्दी कमेंट्स में बताओ कि अगला हॉल वीडियो किस पे चाहिए तुम लोगों को, और कौन से ऐप से चाहिए या कौन से ब्रांड से चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके सो हैव गुड मील एंड बी हैप्पी एंड बस ऐसे ही खुश रहो भाई, खुश रहना ही जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है, तो खुश रहो एंड वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ओके टाटा बाय।